आजाद रुकन कौमी असम्बली असलम भूटानी भी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि आसिफ जरदारी को कहा था मुझे हल्के के लिए फंड्स चाहिए। जरदारी साहब ने एहसन इकबाल को कहा लेकिन वफाकी वजीर ने नहीं सुनी। वजीर आजम ने भी एहसन इकबाल को फंड्स देने का कहा था। असलम भूटानी ने कहा कि पीटीआई में इज्जत नहीं थी लेकिन फंड्स बहुत मिल रहे थे। अफसोस से कहता हूँ कि इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। मैं एक एहतजाज रिकॉर्ड कराता हूँ। हम सर पीटीआई के साथ थे इतिहादी, किसी वजह से किसी की मोहब्बत में किसी के प्यार में हम इस तरफ आ गए। मुझे न वजारत चाहिए न ओहदा चाहिए, कुछ नहीं, मुझे इलाके के लिए डेवलपमेंट चाहिए। जरदारी साहब ने एहसन इकबाल को कहा, जरदारी साहब की उसने नहीं मानी। शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी, उसने तीन बार एहसन इकबाल को कहा कि जी असलम भूटानी मेरे पास दोबारा शिकायत लेके ना आए। सर जब पीटीआई के साथ थे हमें अरबों रुपए मिले, और न सिर्फ मिले बल्कि 100% एलोकेशन थी जो आखिरी साल एहसन इकबाल ने काट दी, और फिर एहसान किया कि मैं आपको पैसे देता हूं। मैंने कहा जी ये तो वो देकर गए हैं ना, इसमें आपका कौन सा एहसान काट के दे रहे। हम खुदा की कसम सर वहां खुश थे। दो वोटों पे हुकूमत है, इतनी मगरूरी अगर 10 वोटों पे होती तो आप तो किसी को खंगालते भी नहीं। हमें सर पीटीआई में इज्जत नहीं थी, फंड्स बहुत ज्यादा थे।